नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल JMD डिजिटल MP में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टूडेंट का EKYC कैसे करेंगे। हाल ही में जो नोटिफिकेशन आया था स्टूडेंट का EKYC के लिए, तो स्टूडेंट का EKYC मतलब आपको जो स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट का सभी का यहाँ पर EKYC करना अनिवार्य है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मध्य प्रदेश के शिक्षा पोर्टल पर या फिर एजुकेशन 2.0 पोर्टल पर एक EKYC करके बताऊंगा स्टूडेंट का EKYC कैसे करेंगे। स्टूडेंट के EKYC में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और स्टूडेंट का EKYC जब करने जाएंगे तो आपको कंप्यूटर सिस्टम से होगा या फिर आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। और OTP और बायोमेट्रिक दोनों की प्रोसेस इस वीडियो में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या कई बार आ चुके हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन जरूर हो जाए, क्योंकि हम डालते रहते हैं हर प्रकार की CSE MP ऑनलाइन और डिजिटल सर्विस से रिलेटेड न्यू अपडेट। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर PC की स्क्रीन पर। आपको ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेना है, shikshaportal.mp.gov.in। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से इंटरफेस सामने से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल डैशबोर्ड कुछ इस टाइप से दिखेगा। वेबसाइट को यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि ऊपर लिखा है मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल, तो ये जो पोर्टल है वो मध्य प्रदेश के लिए ही, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट का यहाँ पर आप EKYC कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अदर स्टेट के लिए ये वीडियो नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो EKYC करने के लिए आपका जो स्टूडेंट का EKYC करना है, तो यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है आपको न्यू। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन टाइप का एक ब्लिंक होता है ऑप्शन EKYC, तो आपको सिंपल सा इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको इंटरफेस कुछ इस टाइप से दिख जाएगा। अब यहाँ पर मैं देख सकते हैं आपको यहाँ पर स्टूडेंट का मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है और यहाँ पर सिंपल सा मोबाइल नंबर डबल से आपको डाल देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको वो डालना है जो आपके आधार पर अपडेट करे हुए हैं। देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर लिखा है आधार EKYC प्रोसेस मोबाइल नंबर सत्यापन, तो आपको यहाँ पर दोनों जगह मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा डाल देना है और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे कि हमारे पास अभी किसी स्टूडेंट का डाटा नहीं है, तो यहाँ मैं आपको सिंपल सा यहाँ पर एक PDF के माध्यम से बता देंगे। PDF में देख सकते हैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर दोनों जगह डाल देना है, ऊपर में भी यहाँ पर और यहाँ पर प्रविष्टि करे वाले में भी डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा डाल देना है और मोबाइल नंबर OTP प्राप्त करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में देखेंगे, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स इंटरफेस सामने से हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कृपया OTP दर्ज करें, मतलब आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था उन पर यहाँ पर एक OTP सेंड किया गया है आपके मोबाइल पर, तो उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लेना है और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स इंटरफेस सामने शो होने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी की जानकारी, विद्यार्थी की जानकारी में आप देख सकते हैं नीचे आपको समग्र ID इंटर कर लेना है, 9 अंक की जो समग्र ID रहती है सदस्य ID, उसको यहाँ पर इंटर कर लेना है, कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेना है। उसके बाद में विद्यार्थी की जानकारी देखें, विद्यार्थी की जानकारी देखने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में देख सकते हैं इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपको दिखने लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं समग्र के अनुसार विद्यार्थी की जो जानकारी आई है वो स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से है। तो आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दिख जाएगा, ब्लॉक का नाम दिख जाएगा, स्टूडेंट की समग्र ID दिख जाएगी, स्टूडेंट का नाम दिख जाएगा, फादर्स नेम दिख जाएगा और भी यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दिख जाएगी, आपको कंफर्म कर लेना है। और नीचे देख सकते हैं EKYC करें, आपको सिंपल सा इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स इंटरफेस सामने शो होने लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आधार सत्यापन करें, तो आधार सत्यापन करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक चेक मार्क कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ रहता है मैं एतद द्वारा कहती हूँ या कहता हूँ कि मुझे आधार आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो इस टाइप से आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा, आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको आधार नंबर मांगा जा रहा है, तो स्टूडेंट का यहाँ पर आधार नंबर डाल देना है, फिर से आधार नंबर को यहाँ पर डबल से इंटर कर लेना है। उसके बाद में देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, मैं आपको दोनों प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं OTP द्वारा कर सकते हैं, अगर आपके स्टूडेंट के आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट है तो OTP ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप सिंपल सा सिस्टम से कर रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका स्टूडेंट के पर मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो आपको सिंपल सा EKYC या बायोमेट्रिक के थ्रू कर लेना है। लेकिन ध्यान रखना है बायोमेट्रिक के थ्रू अगर करते हैं तो आपको सिस्टम के माध्यम से ही होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो डिवाइस है वो हो सकता है मोबाइल में रन करे या ना करे, तो आपको यहाँ पर देख लेना है आपके स्टूडेंट का कैसे करना
पर सिंपल सा ई केवाईसी बायोमेट्रिक करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओटीपी के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको ओटीपी द्वारा बता देता हूँ। ओटीपी के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स इंटरफेस सामने शो होने लग जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं मैं एतद द्वारा कहती हूँ, एक बार फिर से आपको आधार सत्यापन के लिए नोटिफिकेशन दिखेगा। आपको यहाँ पर चेकमार्क कर लेना है और आपके जो आधार पर मोबाइल नंबर अपडेट है उस पर यहाँ पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। जैसे कि नीचे देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी एन ओटीपी वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंट योर रजिस्टर मोबाइल। तो इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी दिख जाएगा, लास्ट का 3 डिजिट जो आपके आधार पर अपडेट है उस पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब आपको सिंपल सा वैलिडेट ओटीपी करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे वैलिडेट ओटीपी करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप से स्टूडेंट का यहाँ पर आपको डाटा दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लेना है स्टूडेंट का जो बेसिक डिटेल्स है वो फॉर्म जो आधार ई केवाईसी के माध्यम से लिया है वो यहाँ पर आपको सामने दिखने लग जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आपको स्टूडेंट का नाम, गार्डियंस का नाम और यहाँ पर बहुत सारी डिटेल दिखेगी, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर मेल, जेंडर, एड्रेस वगैरह दिख जाएगा। उसके साइड में ही आप देखने जाएंगे तो आपको स्टूडेंट बेसिक डिटेल फ्रॉम मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पर जो अपडेट किया गया डाटा है वो यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद में स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट का, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेप्स इंटरफेस सामने शो होने लग जाएगा। यूअर ई के वाई सी हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो स्कूल में वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट की जो ई के वाई सी प्रोसेस है वो कम्प्लीट हो चुकी है। तो इस टाइप से आप भी अपने स्टूडेंट का ई के वाई सी बड़ी आसानी से अपने सिस्टम या मोबाइल से कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। तो आपको देख लेना है कि इस माध्यम से आप करना चाहते हैं सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल से। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखकर आप भी अपने स्टूडेंट का ई के वाई सी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले की वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और देखते रहेगा लेटेस्ट न्यू और डिजिटल सर्विस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन।